नगर परिषद सुजानपुर में भाजपा की ओर से प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। सूची जारी करने के साथ साथ सभी सीटों पर भाजपा समर्थित पार्षद जीत दर्ज करेंगे। दावा किया गया है कि पार्टी पदाधिकारियों द्वारा पत्रकार वार्ता के दौरान तमाम जानकारी दी गई। सुजानपुर भाजपा मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र ठाकुर, शहरी भाजपा अध्यक्ष सुमन महाजन की अध्यक्षता में तमाम उम्मीदवारों की सूची, जिसमें वार्ड नंबर 1 से सबिता महाजन, 2 से निमो देवी, 3 से स्वरूप कुमार, 4 से रवि चौधरी, 5 से नीता कुमारी, 6 से सुनीता कुमारी, 7 से अनिल ठाकुर, 8 से ज्योति शर्मा और 9 नंबर से मुकेश गुप्ता को भावी उम्मीदवार बनाया गया है। जारी की गई सूची में मात्र वार्ड नंबर 8 से ज्योति शर्मा, जो पूर्व में भी इसी वार्ड से पार्षद हैं, उन्हें टिकट दिया गया है, जबकि वार्ड नंबर 4 से नगर परिषद में बतौर भाजपा समर्थित उपाध्यक्ष पद पर विराजमान कमलेश चौधरी का टिकट भाजपा पार्टी ने काट दिया है। हालांकि भाजपा पदाधिकारी इस बात का दावा कर रहे हैं कि किसी भी वार्ड में कोई भी उम्मीदवार बगावत नहीं करेगा, अगर ऐसा कुछ होगा तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। भाजपा मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र ठाकुर ने बताया कि देश में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भाजपा का डंका बज रहा है। केंद्रीय वित्त राज्य एवं कॉरपोरेट मंत्रालय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में भी भगवा खिला है। इसके साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के आशीर्वाद से नगर परिषद सुजानपुर में भी भाजपा फिर से काबिज होगी। सूची आपके माध्यम से हमने जारी कर दी है और हमें पूरा विश्वास है, हम भारतीय जनता पार्टी डंके की चोट पे 9 की 9 सीटें यहाँ से माननीय धूमल जी के आशीर्वाद से, माननीय अनुराग जी के आशीर्वाद से ये पूरी की पूरी सीटें यहाँ से जीतेंगे और विकास के मुद्दे पे हम ये चुनाव लड़ेंगे। जैसे जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारतीय जनता पार्टी का डंका बज रहा है, सुजानपुर में भी ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी का डंका बजेगा। कहा कि बीजेपी का परचम जो है पूरे भारतवर्ष में लहराने की कगार पर है और उसी के परिपेक्ष में मैं भी कहना चाहता हूँ कि जो कैंडिडेट हमारे नगर परिषद के चुनाव के लिए चुने गए हैं वो हमारे मार्गदर्शन में लोगों की जो रिक्वायरमेंट थी उनको पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे और साथ ही चहुमुखी, मैं उनके तरफ से ये कहना चाहूँगा कि इस शहर के चहुमुखी विकास के लिए जितना संभव प्रयास हमारे साथ हमारे द्वारा किया जा सकता है वो होगा और इस बार हम एक अच्छी मजबूती और पकड़ के साथ नगर परिषद की कमेटी बनाएंगे और आप आने वाले समय में देखेंगे कि बीजेपी किस तरह से इस शहर को अगले पैगाम तक ले जाने की प्रयासरत रहेगी।